हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में पर्यावरण का क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में पर्यावरण का तत्व कौन सा है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, जैव विघटित प्रदूषक हैं। तो आपको याद रखना है, यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, वाहित मल। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, अजैव तत्व वर्ग को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, भौतिक तत्व वर्ग। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है कि निम्नलिखित में जलवायिक तत्व कौन सा है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है निम्नलिखित में स्थल जात तत्व कौन सा नहीं है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वायुमंडल गैसें। क्वेश्चन नंबर सात की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सात कहता है भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, सभी अजैविक तत्व जो है भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर एट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट कहता है भारत में जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है कि कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि का दहन निम्न में से किस प्रदूषण का मूल स्रोत है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, वायु प्रदूषण का। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है कि सांस्कृतिक पर्यावरण में किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जैविक पर्यावरण को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कार्बनिक पर्यावरण, ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पर्यावरण अवनयन के कारण हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक कारण क्या नहीं है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, गरीबी जो है वो प्राकृतिक कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो यहां पर आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि प्रदूषण शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी हैं, गंदा करना, दूषित करना और अशुद्ध करना, ये प्रदूषण के अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हमारा वायुमंडल कई तरह की गैसों का होता है जिसमें नाइट्रोजन का भाग है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 3/4। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि पर्यावरण के प्रदूषण में सबसे हानिकारक प्रदूषण निम्नलिखित में कौन है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, नाभिकीय प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 4, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अम्ल वर्षा को किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, झीलों का कातिल। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अर्नेस्ट हैकेल ने। आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।